हेलो फ्रेंड्स, न्यू क्रिएटिविटी नया डे के साथ मैं शिपू आप सभी को स्वागत करता हूं। यूट्यूब चैनल आपका शिपू के सर में हर बार की तरह कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के पास लेते आता रहता हूं, लेते आता रहूंगा। बस आप सभी के प्यार से देते रहिए। आप सभी के दुआ की वजह से मेरा चैनल 2K तक पहुंच चुका है, वो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि मार्केट में आप जैसे जानते हैं कि अभी फिलहाल ब्लूटूथ का जमाना है, ब्लूटूथ सारा और ब्लूटूथ ही ब्लूटूथ छाया हुआ है। कोई अपना कार में ब्लूटूथ लगा रहा है, टेप रिकॉर्डर में ब्लूटूथ लगा रहा है, कोई अपना होम थिएटर में ब्लूटूथ लगा रहा है। अब ब्लूटूथ से अब म्यूजिक का आनंद लिया जा रहा है और लिया जाता रहेगा जब तक ये टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अभी वायर का जमाना नहीं रहा है। अब हर कोई चाहता है कि कैसे मैं अपना मोबाइल के ब्लूटूथ से अपना म्यूजिक सिस्टम को बजा के अपना म्यूजिक आनंद ले सकता हूँ। मार्केट में बहुत सारे ऐसे ब्लूटूथ मॉड्यूलर हैं जैसे कि मार्केट में अवेलेबल हो रहा है, तो आपके लिए कौन सा बेटर है किसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। तो मेरे हिसाब से भाई आप सभी के लिए इस टाइप की ब्लूटूथ मॉड्यूल बहुत बेस्ट है, जो कि सस्ते में आ जाती है। और आपने लोकल मार्केट में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप में भर कोई पूछता है कि अब कहाँ से खरीदे कहाँ से करें, तो आपकी नियरेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, याद रखिए इलेक्ट्रिकल नहीं है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, जहाँ पे वहीं पे ऐसा पार्ट्स मिलेगा। तो आप देख पाएंगे दोस्तों ये है छोटी सी ब्लूटूथ मॉड्यूल किट है, जिसमें आप इसमें USB लगा सकते हैं, FM चला सकते हैं, ब्लूटूथ चला सकते हैं और बहुत कुछ इसमें ऑप्शन है, फंक्शन है, और मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस वाली ब्लूटूथ की चलाने के लिए आपको पता है क्या कितना वोल्टेज में चलता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों ये 5 वोल्ट में ऑपरेट होता है। जैसे कि आपकी मोबाइल की जो चार्जर है, मोबाइल चार्जर 5 वोल्ट इसमें सप्लाई दे दीजिए, ये काम करना स्टार्ट हो जाएगा। इस वाली जो मॉड्यूलर किट आती है, जो इसको चाहिए पावर सप्लाई 5 वोल्ट की जो पावर सप्लाई चाहिए, तो आप कहाँ से देंगे कैसे देंगे, तो इसके ऊपर में ये वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, वीडियो में बहुत सारी डिटेल आपको देने की कोशिश करूंगा, सिंपल से लेके उसको कितना लेवल तक आप इसको पावर सप्लाई में मॉडिफाई कर सकते हैं। क्योंकि आप जहाँ पे भी यूज करते हैं, चाहे आप कार में यूज करते हो, चाहे आपकी पुरानी टेप रिकॉर्डर से यूज करते हो, चाहे अपने पुराने डेस्क से यूज करते हो, या चाहे आप भी पुरानी होम थिएटर से भी यूज करते हैं, चाहे किसी भी लेवल में किसी भी जगह पे आप इसको यूज करते हैं, वहां पे आपको 12 वोल्ट से 20 वोल्ट के अंदर ही आपको वोल्टेज मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर की जो पावर सप्लाई होती है वो 12 वोल्ट से लेके 20 वोल्ट के अंदर तक आते हैं। तो हर किसी इक्विपमेंट में हर किसी चीज में अलग अलग वोल्टेज रहता है, तो इसके लिए ये सफिशियंट नहीं है। तो आप किस तरह से इसको 5 वोल्ट सप्लाई देंगे, तो आज की वीडियो में पूरी डिटेल रहेगा। तो चलिए दोस्तों इस वाले इंटरेस्टिंग वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं और आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप एक 12 वोल्ट से 20 वोल्ट के सप्लाई से कन्वर्ट करके 5 वोल्ट सप्लाई को ला सकते हैं और इस वाले मॉड्यूलर किट को अपने ब्लूटूथ मॉड्यूलर किट को चला सकते हैं और अपना म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। चलिए दोस्तों ये है 7805 की ट्रांजिस्टर, इसी से हमको आउटपुट मिलने वाला है इसमें 5 वोल्ट के आउटपुट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसकी वायरिंग डायग्राम किस तरह से है, मैं साइड में दे दूंगा इसकी किस तरह से आउटपुट है, किस तरह से इनपुट है, किधर से आपकी ग्राउंड है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपकी इधर से आपके नंबर की तरफ रखेंगे तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये इसकी इनपुट होगा, बीच वाली इसकी ग्राउंड है, ग्राउंड आपकी इस कॉमन दोनों के लिए है, और ये है आपकी आउटपुट 5 वोल्ट के लिए। तो मैं आपको कुछ स्टेप आपको दिखाऊंगा, कुछ ऐसे सिंपल से लेके थोड़ा सा इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं उस सब को आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहला स्टेप में। पहला स्टेप में हमको करेंगे इसको सिंपल वायरिंग डायग्राम करेंगे, तो सिंपल वायरिंग डायग्राम किस तरह से होगी और इसके लिए किस तरह से आउटपुट होगा क्या होगा सब आपको दिखाऊंगा। सिंपल वायरिंग डायग्राम के लिए आपको इस तरह से कुछ रखनी है, आपकी नंबर आपकी तरफ रहेगी, यहाँ पे नंबर लिखी हुई है 7805। तो इसमें आपको देखेंगे लेफ्ट साइड में जो है ये आपकी इनपुट होगा 12 वोल्ट का, बीच में आपकी ग्राउंड होगा, और लेफ्ट साइड में जो आपका पिन है वो आपकी 3 नंबर है, वो आपकी आउटपुट होगा। तो सिंपल वायरिंग में हम करेंगे सिंपल से सिंपल, इसमें वायर जोड़ते हुए जाएंगे और इसके साथ आउटपुट लेते हुए जाएंगे। तो इस चलिए दोस्तों फटाफट से इसको कर लेते हैं और मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि कितना वोल्टेज इसमें आ रहा है। तो सबसे पहले 12 वोल्ट के लिए मैं यहाँ पर रेड कलर की वायर ले रहा हूँ, जो कि इसमें 12 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई जाएगा और यह बहुत ही सिंपल सा वायरिंग है आपके लिए। और उसके बाद यहाँ से मैं आउटपुट निकालूंगा 5 वोल्ट, जो कि मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ अपना म्यूजिक प्लेयर, ब्लूटूथ म्यूजिक प्लेयर, MP3 प्लेयर। तो इसकी जो पॉजिटिव है यहाँ से यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा। नेगेटिव के सप्लाई के लिए मैं यहाँ पे ग्रीन कलर की वायर ले रहा हूँ और इसको मैं लगाऊंगा इसके बीच में, और इधर की जो आउटपुट हमको निकलेगा उसमें से भी हमको नेगेटिव पे चाहिए, ग्राउंड चाहिए, तो हम यहाँ पर ग्राउंड की वायर को भी इसके साथ ही जोड़ देंगे। साथ ही तो दोस्तों यहाँ पे हो चुकी है वेरी सिंपल, वेरी से वेरी सिंपल यहाँ पे वायरिंग हो चुकी है। तो जिसके देख पाए दोस्तों यहाँ पे रेड कलर की वायर में 12 वोल्ट जाएगा, ग्रीन में 12 वोल्ट नेगेटिव जाएगा, आउटपुट में ये ब्राउन कलर की वायर में 5 वोल्ट आउटपुट होगा और ब्लैक में इसकी 5 वोल्ट नेगेटिव आउटपुट होगा। ये वेरी सिंपल है, जहाँ पे आपको पता है 12 वोल्ट के लगभग आपको वोल्टेज है, सप्लाई है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है एक बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी है, तो इससे मैं सप्लाई दूंगा। तो सबसे पहले इसको वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे, तो यहाँ पे 20 वोल्ट में रेंज में सेट किया हूँ मल्टीमीटर को, और यहाँ पे हम देखेंगे इसकी वोल्टेज कितनी है फिलहाल के लिए।
तो आप देख पाए दोस्तों 12-13 वोल्ट यहाँ पे है, तो यानी कि यहाँ पे आउटपुट हमको मिलेगा 5 वोल्ट। तो जैसे जैसे है इसमें हम इसको वायरिंग कर देंगे। रेड को पॉजिटिव में, ग्रीन को नेगेटिव के साथ कनेक्शन कर देंगे। आपको देखना है कि आपका आईसी ज़्यादा हीट ना हो। तो हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कितना सप्लाई आ रहा है, यहाँ पे 12-13 वोल्ट सप्लाई आ रहा है, यहाँ तक भी आपको जाएगा 12-13 वोल्ट। और देखेंगे दोस्तों इसके साथ आउटपुट में कितना हमको मिलता है। देखिए दोस्तों 5.02 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि ये नॉर्मल हीट हो रहा है। 12 वोल्ट में ये ठीक से चल रहा है। ये सिंपल वायरिंग है, पहला मेथड है सिंपल वायरिंग। और किसी जो आउटपुट के पिन में हम इसको तो देख पाएंगे दोस्तों, ये है MP3 प्लेयर, इसमें कनेक्शन देंगे तो ये काम करने स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको कनेक्शन कर दिए तो देखिए दोस्तों यहाँ पे काम करना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे मोड चेंज करेंगे, लाइन यहाँ पे बहुत पुराना वाला बोर्ड है तो इस तरह से ये चालू हो गया है। तो इस तरह से आप सिंपल वायरिंग कर सकते हैं, ये पहला मेथड है, ये सबसे पहला मेथड है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों इसको किस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अभी चलेंगे कि यहाँ पे सेकंड मेथड में चलेंगे कि किस तरह से इसको और भी ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं, और ज़्यादा इसको सेफली बना सकते हैं और आपका काम ले सकते हैं। तो अगर आपका 12 वोल्ट से ज़्यादा आपका आउटपुट है, मान लीजिए आपका 15 वोल्ट से शुरुआत हो चुका है, आपकी वोल्टेज जहाँ पे आपको पता नहीं है 15 वोल्ट से ज़्यादा भी है और 20 वोल्ट तक जा रहा है, तो वहाँ पे आपको इस केस में आपको क्या करना है। तो इसमें तो आपका आईसी ज़्यादा हीट होगा, ज़्यादा ख़राब होगा, जल्दी भी ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो मैं आपको सिंपल सा ट्रिक आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों आपको चाहिए एक IN4007 की ये जो डायोड है इसको चाहिए, और इसको यहाँ पे लगाना है। तो किस तरह से आपको फिट करना है और कहाँ पे फिट करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो दूसरा ट्रिक में हम क्या करेंगे, सप्लाई है उसको हम करेंगे डिसकनेक्ट करेंगे इसके साथ। आपको किसी के साथ, किसी की वायर के साथ छटकानी नहीं करना है, प्लस आपकी जो पॉजिटिव सप्लाई जा रही है वहाँ पे आपको छटकानी करनी है, थोड़ी सी इसको निकाल लेनी है। और आपको लगाना कैसे है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों डायोड में आपको एक ब्लैक कलर दिख रहा है और एक सिल्वर कलर की पट्टी दिख रही है। और सिल्वर कलर आपकी धीरे से आपका आउटपुट होता है वोल्टेज, ब्लैक कलर की पट्टी में जहाँ पर आपका वोल्टेज इनपुट होता है। तो यहाँ पे मेरा रेड कलर की वायर में वोल्टेज इनपुट हो रहा है, तो मैं आपको यहाँ इधर से ऐसे लगाऊंगा कि ये वाला रेड कलर की वायर इसकी ब्लैक कलर के वायर के साथ, ब्लैक कलर की कोटिंग के साथ ऐड हो जाए। तो इसको कर लें सोल्डिंग। और उसके बाद दूसरी वाली सिरा को हम इसके साथ डायोड के साथ जोड़ देंगे। सोल्डिंग करने के बाद हम देखेंगे इसकी वोल्टेज अभी भी कितना है कितना नहीं है। मेरा वही 20 वोल्ट में सेट है और इसमें देखेंगे वोल्टेज जिसे 13 वोल्ट है, और यहाँ पे भी आपको 13 वोल्ट ही मिलेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे घर के 12.62, यानी कि कुछ हद तक यहाँ पे कम हो चुका है। यहाँ पे आपका ट्रांजिस्टर ख़राब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप जितना वोल्ट तक जाए दे सकते हैं, 12 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट से लेके 25 वोल्ट से लेके जब तक लगाना चाहे लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डायोड लगा चुके हैं जिसके वजह से यहाँ पे वोल्टेज आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो आउटपुट में भी वही वोल्टेज रहेगा दोस्तों, आउटपुट में कोई भी आपका फर्क आने वाला नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, आपकी बोर्ड जैसे पहले चल रहा था वैसे ही आपका पहले इस बार भी चल देगा। देखिए यहाँ पे लूज हो गया था थोड़ा, तो यहाँ पे बोर्ड हमारा, देखिए बोर्ड हमारा चल चुका है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बोर्ड चल चुका है। तो ये है हमारा दूसरा मेथड, दूसरा ट्रिक किस तरह से इसको कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों इसको और थोड़ा सा डीसी वोल्टेज को और थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए हम चलेंगे इसके साथ कुछ और से मॉडिफाई करने के लिए। तो ये मेरा तीसरा ट्रिक रहेगा। तो तीसरा ट्रिक में आपको क्या करना है मैं आपको पूरी स्टेप दिखा रहा हूँ, एक ही वीडियो में पूरी की पूरी कंप्लीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरे पास यहाँ पे है 10 वोल्ट 1000 माइक्रोफैराड की, ये मैंने कुछ पुरानी वाली जो पावर सप्लाई थी उसमें से निकाला हूँ। आपको जो भी मिले आप लगा सकते हैं, 5 वोल्ट से ऊपर और 10 वोल्ट के नीचे जितना आप हो सके उतना लगाइए, क्योंकि ये आउटपुट में मैं लगाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को प्योर डीसी चाहिए तो इसको मैं आउटपुट लगाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको सोल्डिंग कर लेते हैं और आपको उसके बाद दिखाता हूँ। तो अपन किस तरह से सोल्डिंग करना है, आपको यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, बस लिखावट कुछ है। तो ये आपकी पॉजिटिव साइड है, और देखिए दोस्तों नेगेटिव साइड में आपको इस तरह की कुछ मार्किंग रहेगा, ये आपकी नेगेटिव साइड है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इस वाली जो लेफ्ट साइड में जो पिन है वो आपकी पॉजिटिव है, बीच वाला आपका नेगेटिव है। तो आपको उस तरह से सोल्डिंग करना है डायरेक्ट, आप यहाँ से भी सोल्डिंग कर सकते हैं और कहीं और से भी सोल्डिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सोल्डिंग कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे सोल्डिंग का काम हो चुका है।
आप देख पाए दोस्तों किस तरह से मैंने इसको सोल्डिंग किया हूँ। पहले कुछ नहीं लगाया था, उसके बाद धीरे धीरे मैंने वायर को कनेक्ट किया जिसमें 5 वोल्ट आउटपुट होगा। उसके बाद यहाँ पे कैपेसिटर लगाया हूँ, नेगेटिव को यहाँ पे नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव को यहाँ पे पॉजिटिव के साथ। और ये है इसकी वैल्यू 10 वोल्ट 1000 माइक्रोफैराड की है। आप जितना चाहे आप लगा सकते हैं, आपकी वोल्टेज 5 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए, माइक्रोफैराड आप जितना लगाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे चलेंगे इसको पावर सप्लाई देने के लिए। यहाँ पे हम पावर सप्लाई इसको देंगे, पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे दे चुके हैं, नेगेटिव का कनेक्शन यहाँ पे करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे वोल्टेज देखेंगे, चेक करेंगे इसमें लाइन आया कि नहीं आया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लाइन आ चुका है, आप देखिए दोस्तों यहाँ पे लाइन आ चुका है, परफेक्टली ये काम कर रहा है। अगर मैं इसको थोड़ी सी पावर सप्लाई पर इसको डिस्कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, कैसे हो गया। तो देखिए दोस्तों किस तरह से मैं इसको मॉडिफाई करते हुए जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले सिंपल वायरिंग किया, उसके बाद एक डायोड लगाया, उसके बाद एक कैपेसिटर लगाया, उसके बाद लास्ट आते हैं जिसको और एक किस तरह से पावरफुल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि इस वाली कैपेसिटर जैसे लगाए हैं, दूसरी वाली कैपेसिटर हमको लगाना है इस वाली जो सप्लाई में 12 वोल्ट की सप्लाई में, और उसे लगा देने से आपका और एक स्टेप बन जाएगा। तो उसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक तो कैपेसिटर लगा चुका हूँ और इसकी वैल्यू मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी वैल्यू आपको कितना है। तो इसका वैल्यू है दोस्तों, आप जितना भी ले सकते हैं, ये है 220 माइक्रोफैराड 25-35 वोल्ट का है। तो आप चाहें किस तरह से भी ले सकते हैं, अगर आपके पास पुराना कुछ SMPS है उससे से लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने भी कुछ पुराने वाले SMPS से निकाला हूँ और इसको और एक प्योर DC से DC वाला बना चुका हूँ, क्योंकि 2 कैपेसिटर फिल्टर कैपेसिटर यहाँ पे लगा चुका हूँ, क्योंकि मेरे को वोल्टेज में कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो हम इसको करते हैं चालू। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे चालू कर दिया है, और चालू करने के बाद देखिए दोस्तों कुछ टाइम के लिए रह रहा है ये, और आप देखिए दोस्तों ये चालू हो जा रहा है अच्छी तरह से। तो देखिए दोस्तों किस तरह से मैंने इसको मॉडिफाई किया, और भी इसको और भी अगर आपको डर लगता है कि आपका कहीं आपका ट्रांजिस्टर, आपका जो रेगुलेटर है वो आपका ख़राब ना हो जाए, 7805 वाला जो रेगुलेटर IC है, रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, अगर आप चाहें कि आपका ख़राब ना हो जाए, आपको पता है कि इन फ्यूचर में आपकी बैटरी थोड़ा सा कमज़ोर है और कभी कभार आपको वोल्टेज ज़्यादा दे देता है, या तो आपका किसी बोर्ड में अगर आपका ज़्यादा वोल्टेज आने की संभावना है, बाई चांस ऐसे होता है कि कुछ आपका इसे कॉस्टली वाला पैनल आपका ख़राब ना हो, उसको बताना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी आपको एक लास्ट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया किस तरह से मैं इसको मॉडिफाई करते हुए जा रहा हूँ, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, चाहे आप किसी में भी बैठा सकते हैं, चाहे आपको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। अगर आपका वोल्टेज ज़्यादा रहता है, 15 वोल्ट से ज़्यादा रहता है, 20 वोल्ट तक 35 वोल्ट तक भी रहता है, वो उसमें तो उस टाइम क्या होगा, आपकी जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है जो कि 7805 है, जो कि 12 वोल्ट 5 वोल्ट का था, वो ज़्यादा ओवरहीट होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थर्मल टेस्ट लगाना है और एक तो एल्यूमिनियम का पत्ती के ऊपर में इसको कसना है, क्योंकि आपकी हीट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। उसके बाद इन फ्यूचर जैसे आपको मैंने बताया कि कहीं कभी कभार डर लगता है कि आपका कहीं ना कहीं और हाई वोल्टेज के चलते आपका ये खराब हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो आपको क्या होगा कि पूरी पूरी 20 वोल्ट 15 वोल्ट या तो जितना ही वोल्टेज यहाँ पे इनपुट हो रहा है वो आपका डायरेक्ट इस वाली पैनल को ना आ जाए। तो इसके लिए आपको एक ब्रेकर लगाना पड़ेगा। तो ब्रेकर किस चीज़ का है मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों उसके लिए मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ 4.70 ओम की रेजिस्टेंस एक लगाने वाला हूँ इसमें, जो कि 1/4 वाट की हो सकती है, आपकी 1/2 वाट की हो सकती है। आप चाहें 1 ओम से लेके 5 ओम तक लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा मत लगाइए, क्योंकि आपको वो फ्यूज की तरह काम नहीं कर पाएगा। अगर वो फ्यूज की तरह काम करते करते अगर आपका सप्लाई यहाँ तक चला आया तो ये शॉर्ट सर्किट हो सकती है, या तो यहाँ का ये वाले पैनल भी ख़राब हो सकती है। तो आप 5 ओम से नीचे जितना भी है उतना ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाने वाला था, लेकिन मेरे को 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे 4.7 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे मेरे पास है, तो मैं इसको ही लगाने वाला हूँ। तो कहाँ लगाने वाला हूँ मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको लगाना है, जैसे कि यहाँ पे जो सप्लाई दे रहे हैं वहाँ पे भी आपको लगाना है। सप्लाई से आएगा और आपकी एक रेजिस्टेंस थ्रू होते हुए आपकी डायोड के होते हुए आपकी जो रेगुलेटर IC है वहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हो चुकी है हमारा 5वां सर्किट कम्प्लीट हो चुकी है। मैंने इसको और ज़्यादा सेफ कर चुका हूँ, इसको मेरे और डरने के कोई झंझट नहीं है। अगर यहाँ पे भी ज़्यादा वोल्टेज आ जाए, ज़्यादा एम्पियर आ जाए कि कुछ भी हो जाए, तो मेरा ये पैनल सेफ रहेगा, हमेशा के लिए चलता रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो मैं एक बार दोबारा से इसको वोल्टेज चेक करके दिखा लेता हूँ कि कहाँ पर कितना वोल्टेज अभी तक आ रहा है, अभी तक नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों 12-13 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी आपको वही वोल्टेज मिलेगा। इसके आगे चलेंगे तो ये 12.93 हो चुका है, उसके आगे चलेंगे तो ये आपके घटकर 12.16 हो चुका है,
और यह है यहाँ पे कन्वर्ट होते हुए यहाँ पे 5.3 वोल्ट यहाँ पे आ चुका है, यानी कि यहाँ तक का कंप्लीट हो चुके हैं। और आप चाहे इस वाले ट्रिक को भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको पांच ट्रिक दिखाया हूँ, पांच स्टेप दिखाया हूँ किस तरह से आप अपने सर्किट को 12 वोल्ट से या तो 20-30 वोल्ट तक भी कन्वर्ट करके स्टेप डाउन करके 5 वोल्ट कर सकते हैं और इस वाले पैनल को चला सकते हैं। आप यहाँ पे मोबाइल चार्ज कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपका चल जाएगा। तो ये कुछ बेस्ट ट्रिक थी और यहाँ पे हर किसी होम थिएटर से लेकर हर किसी में लिए कंपनी वालों ने यही ट्रिक को यूज़ करते हैं। अगर आपको किसी मैकेनिक अगर सिंपल से सिंपल बना के दे देता है और आपका ये वाली रेगुलेटर ऐसे जो ज़्यादा हीट होता है और ज़्यादा हमिंग का आवाज़ साउंड आता है, तो फटाफट से इस वाली ट्रिक को यूज कर लीजिए। इस वाली ट्रिक से आपका वोल्टेज पूरी की पूरी कंस्टेंट हो जाएगी और आपकी प्रॉब्लम हमिंग का प्रॉब्लम लेके कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ये आईसी अब तक आईसी और रेगुलेटर आईसी बहुत जल्द तक चलेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। इस तरह से मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास लेके आता रहूँगा। तो आप भी अपना घर में 5 वोल्ट 12 वोल्ट से 5 वोल्ट को किसी भी ट्रांसफार्मर हो जाए, किसी भी हो जाए, उसमें आप चेंज करके 5 वोल्ट इसमें आउटपुट ले सकते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों एक नया से वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।